1868 1868। टू सेवन सिक्स फोर लिविंग द सेम रिमाइंडर इन इच केस इज ऑप्शन इज 260, B 64, C 164, 124, एंड डी ऑप्शन इज 128। ट्राई करो इसको, सकोगे आप लोग? जस्ट ट्राई इट। क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड 1356, 1868 एंड 2764 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन इच केस इज। चेक द फॉर्मूला, फॉर्मूला चेक करो। जो मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था उसमें ये फॉर्मूला लिखाया मैंने, जस्ट चेक द फॉर्मूला। इट्स इजी क्वेश्चन। एनीवन, सकोगे आप लोग? क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड, चेक द फॉर्मूला। मैंने लिखाया ही आप लोग को, होगा रिप्लाई करोगे? क्वेश्चन बोलो, कर लोगे ना? मैं कर दूं? देखो सिंपल है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड 1356, 1868 एंड 2764 लिविंग द सेम रिमाइंडर। याद रखो इसको, लिविंग द सेम रिमाइंडर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए और रिमाइंडर सेम रखने बोले, ठीक है ना, तब हम लोग कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे एक्स मेरा यहाँ पे क्या है, 1356, ओके। देन वाई क्या है मेरा, 1868, ओके। एंड जेड क्या है मेरा, 2764, ओके। एक्स वाई जेड, अभी क्या था हमारा ग्रेटेस्ट नंबर? ग्रेटेस्ट नंबर मतलब रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू कैसा होगा, एच सी एफ ऑफ, फॉर्मूला क्या था, एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। यही फॉर्मूला लिखाया था कल मैंने, चेक करो एक बार। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, ये फॉर्मूला था आपका कल, ओके। गॉट इट? नाउ अब क्या करेंगे, पहले उसको निकालो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच सी एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स इज 1356 माइनस 1868, ओके। देन वाई माइनस जेड, आप इसमें क्या करो, एक्स को सर 276 ले लो, क्या 1356 रुको, 1356, 1868 एंड एक्स इज 1356 वाई इज, ओके। इसमें देखो, इसमें एक चीज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक्स देख रहा ना हम लोग, एक्स मेरा क्या है, छोटा नंबर है, वाई क्या है मेरा, बड़ा नंबर है। हमेशा हमेशा क्या याद रखो कि बिग नंबर माइनस छोटा नंबर करो, समझ में आ गया? बड़ा से छोटा करना है हाँ। अगर एक्स माइनस वाई भी दिया हुआ है इस टाइप के क्वेश्चन में ना, फिर भी आपको वाई माइनस एक्स करना है, क्योंकि नहीं तो माइनस में आएगा आपका, और माइनस में एचसीएफ नहीं होता है, ओके। तो एक्स माइनस वाई में हम लोग क्या लिखेंगे,
1868 -1356, ओके, देन y माइनस z, मतलब क्या करो, z माइनस y करो, क्या हो जाएगा, 2764 -1868, नंबर ही निकालना है आपको, देन आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, 2764 -1356, आया समझ में एवरीवन? किसी को डाउट है? हमेशा इसको हम लोग क्यों किया उल्टा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर सीधा करेगा ना 1356 -1868 तो मेरा क्या होगा, निगेटिव में आएगा, और निगेटिव में एचसीएफ नहीं होता है, ठीक है ना। इसको पॉजिटिव करने के हमने क्या किया है, बिग टू स्मॉल किया है, पर एक्स वाई ही रखना है, क्योंकि फॉर्मूला में एक्स वाई है तो एक्स वाई ही रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में वाई जेड है तो वाई जेड ही रखेंगे, लेकिन बड़ा माइनस छोटा जो, यहाँ पे भी क्या लिखा है, जेड माइनस एक्स, इसमें भी जेड माइनस एक्स ही रखेंगे, पर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर कर दो, ओके। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस सी एफ ऑफ 1866 -1356 कर दो, कितना हो जाएगा, 8 -6 2, 6 -5 1, 8 -3 5, 512 हो जाएगा। एक्स में कितना हो जाएगा, 2764 -1868 करो, 14 -8 कितना हो जाएगा, 6, जो 4 है ना, 14 -8 6, ये 5 हो जाएगा, 15 -6 9, ओके। तो ये क्या है, 6 हो जाएगा, 6 -8 8, ये 1 हो जाएगा, ओके, 896। एंड थर्ड वन इज 2764 -1356 कर दूं, 14 -6 8, देन क्या हो जाएगा, 5, 5 -5 0, देन ये 7 -3 4, एंड 2 -1 1, 1408। चलो अब इसको ट्राई करो, तो बाद में इसको निकालने के बाद माइनस कर दो, 2764 को पहले क्यों नहीं लिखा ना, इसलिए नहीं लिखा है हम लोग, ये क्यों लिखा है ना, 2764 क्यों इसलिए लिखा है, क्योंकि अगर हम छोटा से बड़ा माइनस करेंगे ना तो हमेशा साइन क्या होगा, निगेटिव में आएगा, जबकि निगेटिव में जो आता है नंबर ना उसका हम लोग एचसीएफ नहीं कर सकते, समझ में आ गया। इसको पॉजिटिव रखने के लिए वाई जेड ही होना चाहिए, जेड एक्स ही होना चाहिए, माइनस आप कर सकते हो इससे, ठीक है। चलो इसको करो एक बार, अब इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो 512 फैक्टर निकालो, 512 का तो 512 फैक्टर निकालो, इसका क्या हो जाएगा, 2 से 2 जा 4 1 1, 2 5 जा 10 1 2, 2 6 जा 12, देन 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 2 8 जा 16, देन 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 से 16, देन 2 से 8, देन 2 से 4, देन 2 से 2, ये आ जाएगा, समझ में आ गया। दैट मीन हम लोग का 512 का अगर हम करते लिखता है तो मेरा कितना आ रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times 2 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times 2 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट में क्या निकाला है हम लोग, 896, अब 896 का निकाल लो फैक्टर, 896 का करो, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 8 जा 16, देन अगेन 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8, देन 2 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देन 2 2 5 जा 10 2 6 जा 12, देन 2 28, देन 2 14, देन 2 7, ये आ रहा है। दैट मीन हम लोग अगर 896 का लिखता है तो मेरा क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 times 2 1 2 3 4 5 6 7 into 7, देन लास्ट में क्या है हमारा, 1408, ओके। देख लेते निकाल के, 1408, अब 1408 को करो, 2 से करो, 2 7 जा 14 0, 2 4 जा 8 2 से 2 3 जा 6 2 5 जा 10 2 2 जा 4, देन अगेन 2 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 6 जा 12, देन अगेन 2 2 8 जा 16 2 3 जा 6, ओके, नहीं सॉरी, 2 8 जा 16 1 6 2 8 जा 16, देन 2 44, देन 2 22, देन 2 11, दैट मीन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1408 का हो जाएगा आपका, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 7 into 11। अब देखो तीनों में ना कितना कॉमन है, ये 2 कॉमन हो गया, ये 2 कॉमन हो गया, ये भी 2 कॉमन हो गया, देन ये भी 2 कॉमन हो गया, 4 5 2 कॉमन हो गया, देन 6 2 कॉमन हो गया, 7 2 कॉमन। अब देखो इसमें और 2 नहीं है, 11 किसी में भी नहीं, 7 ही नहीं, कितना टू कॉमन हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7,
दैट मीन एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 7 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 64 2 जा कितना हुआ 64 2 जा 128 तो आंसर इज डी 128 समझ में आया सबको एवरीवन ओके नीचे दिखाई नहीं दे रहा ना यहाँ पे इसका आंसर है 128 ओके रब कर दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन करें चलो अब अगर क्वेश्चन है आपका फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 45 40 एंड 54 लीव्स द रिमाइंडर लीव्स Leaves the remainder 38, 33 and 47 respectively. Option is 1080, B option is 1087, C option is 1073 and D option is 1070. चलो इसको ट्राई करो तो फॉर्मूला देखो देन अगेन ट्राई ये लिस्ट नंबर का भी मैंने फॉर्मूला लिखा है आप लोग टेक द फॉर्मूला एंड डू अकॉर्डिंग टू दैट कर लोगे इसका फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच बीन डिवाइडेड बाय 45 40 54 लीव्स द रिमाइंडर 38 ट्राई करके देखो तो चलो हो जाएगा ना ट्राई करो
निकला किसी का? अरे ट्राई करो क्या 7 भी निकल, ट्राई करो कितना निकल रहा है। 7 राइट भी हो सकता है। आंसर बताओ, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन से कोई निकल रहा है क्या? राइट भी 7 भी हो सकता है। ठीक मत करो, निकाल के देखो आप। ये तो मैं करता हूँ फिर। PA आंसर इज 1073। C इज द आंसर। देखो कहाँ गलती की आप लोगों ने, बट C इज द आंसर। ओके नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। ठीक एवरीवन, और किसी का? ओनली सैमुअल के मैसेज, अदर सर कर दीजिए। ओके आई विल डू, जस्ट वेट। देखो यहाँ पे मेरा एक्स कितना है, मेरा 45, वाई कितना है 40, एंड सी ये जेड कितना है 54। 40 है ना एक्स वाई जेड, एक्स वाई या 45, 40 एंड 54। ओके ये हो गया एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मेरा एबीसी क्या है, ए इज इक्वल टू 38, बी इज इक्वल टू 33 एंड सी इज इक्वल टू 47। ओके नाउ हम लोग के कैसे निकालते हैं, के इज इक्वल टू क्या था मेरा, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी एंड इज इक्वल टू वाई माइनस बी इज इक्वल टू जेड माइनस सी इज इक्वल टू कितना निकलेगा। तो अब यहाँ पे देख लो, एक्स माइनस ए मतलब 45 माइनस 38, ओके इज इक्वल टू 40 माइनस 33 इसकल टू 54 माइनस 47 इसकल टू, सबको माइनस करो, 45 माइनस 38 सेवन होगा, 40 माइनस 33 सेवन होगा, 54 माइनस सेवन भी करेगा 47 करेगा तभी भी आपका सेवन हो जाएगा। दैट मीन के इज योर सेवन, के का वैल्यू कितना निकला है सेवन। नाउ अब कैसे करेंगे, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इसके टू क्या था हमारा, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड माइनस के, फॉर्मूला यही है हमारा, देखो तो एक बार चेक करो तो एक्स वाई जेड माइनस के राइट। अभी एलसीएम कर लो एक्स वाई जेड का, दैट मीन एलसीएम ऑफ
दिखाई दे रहा ना, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा। एलसीएम ऑफ एक्स, एक्स इज वन 38, नहीं सॉरी, एक्स इज 45, देन वाई इज 40 एंड देन जेड इज 54 माइनस के, -7 लिखो, ठीक है ना। हम लोग को ये निकालना है। अभी एलसीएम निकालो, 45, 40 एंड 54, देखो 45, 40 एंड 54 एलसीएम निकालना है। ओके, तो अगर हम 5 से करता है तो 5 से क्यों, ये 54 नहीं जाएगा, 2 से करो, नहीं 2 से 5 से कर लो, चलो 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 एंड 54 ऐसे ही होगा। देन 3 से करो, 3 3 जा 9, 8 तो रहेगा, 3 1 जा 3, 2 4, 3 8 जा 24। देन अगेन 3 से करो, 3 1 जा 3, 8 और 3 6 जा 18। देन 2 से करो, 1 4 देन 3, ओके, देन फिर 2 से 1 2 3, देन अगेन 2 से 1 1 3, देन 3 से 1 1 1। तो एलसीएम क्या होगा, सबको इंटू कर दो, कितना होगा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180, 180 2 जा 182 जा कितना होता है, 0 2 8 जा 16, तो ये 2 1 3 60 एंड 3 60 3 जा 300, 3 6 18, 9 1 10, 1 0 8 0, दैट मीन आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 0 8 0 -7, दैट मीन कितना होगा, 1 0 7 3, दिस इज द आंसर, क्या हो जाएगा, 1 0 7 3, दिस इज द आंसर। समझ में आया सबको, किसी को डाउट है तो पूछ लो, एनीवन। किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नहीं आएगा, के का वैल्यू ऐसे ही होगा, तीनों का इक्वल ही होगा, के का वैल्यू कभी अलग नहीं आ सकता है। अगर अलग आता है दोनों का नंबर तो वो के नहीं है, के मतलब वैल्यू का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ये इक्वल इक्वल ये, तभी वो के होगा, नहीं तो के नहीं होगा, क्योंकि तो इस वैल्यू दिया हुआ है ना, के तभी इक्वल होगा जब ये तीनों इक्वल होगा। अगर दो नंबर अलग आता है और ये नहीं आता है तो वो के नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको करो, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15, 15, 20 इज, 10, 15 दिखाई नहीं देगा क्या, इधर लिख दो, डिविजिबल बाय 10, 15, 20 इज, ऑप्शन ए इज 9990, बी ऑप्शन इज 9960, सी ऑप्शन इज 9980 एंड डी ऑप्शन इज 9995। चलो इसको करके देखो, तू
सकोगे इसको? द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15, 20 इज? अभी और दो ही क्वेश्चन बचा है चैप्टर का, तो ये चैप्टर भी कंप्लीट है हम लोग का। दो तीन क्वेश्चन और बचे होंगे। आंसर इज ए, ए इज 9960। नो, गलत, रॉन्ग नंबर। आंसर इज 9960। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो आप लोग सकोगे ना? मैं कर दूं रिप्लाई तो जल्दी करो, बहुत टाइम लग जाता है। नहीं तो आप लोग ट्राई कर रहे हो तो दूर। देखो यहाँ पे इसमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, इसका फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, पर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है कि द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एक्चुअली डिविजिबल बाय 10, 15, 20 ही, तो हम लोग क्या करना है, पहले एलसीएम कर दो आप, एलसीएम ऑफ 10, 15 और 20, ये तीनों नंबर का जो नंबर से डिविजिबल होगा उस तीनों का एलसीएम कर दो। तो अगर हम एलसीएम करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10, 15, 20, अगर तीनों का एलसीएम करो तो कितना हो जाता है आपका? 2 से करो, 2 5 जा 10, 15 कैसे रहेगा, 2 10 जा 20। देन 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, 5 2 जा 10। देन अगेन 2 से 1 3 1, देन अगेन 3 से 1 1 1, कितना हो गया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60। तो ये तीनों का एलसीएम कितना आया मेरा? 60 आ गया। ये समझ में आया सबको? ये इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 से आ गया। ठीक है, नाउ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा? 9999, 9999, ये हमारा क्या है? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। अब क्या करो, जो एलसीएम आया है ना उससे इसको डिवाइड कर दो, तो 9999 को किससे डिवाइड करेगा? 60 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना? तो 61 जा 60 कितना आ जाएगा? 9 आ गया, 9 से 6 गया 3, ऊपर से 9 आ गया। अब इसमें कितना करेंगे हम? तो 60 को 6 से करके देखो, 7 से 7 से 42 हो जाता है ना, 6 से करके देखो, तो 6 से करते हैं मेरा तो 360 आता है, 600 66 से 36, 360। देन अगेन 9, 9 से 6 जाएगा 3, देन ऊपर से 399 फिर आ गया। ओके, देन अगेन 6 से करो तो कितना आ जाएगा? 360। ओके, तो हम लोग कितना आ रहा? 9 और 9 से 6 जाएगा 3, 39 आ रहा है, ठीक है ना? अब क्या करना है, जब ये 39 रिमाइंडर आ गया, अब ये रिमाइंडर को देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर क्या करो? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर माइनस क्या करो? जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर, तो इसमें क्या हो जाएगा? 9999 माइनस 39 कितना हो जाएगा? 9 से 9 जाएगा तो 0, फिर ये 9 से 3 गया 6, देन ये 9 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा। दैट मीन बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया सबको? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर दो तीन नंबर दे दिया, सबसे अगर सेम डिविजिबल होगा तो इसको ऐसे करना है हमको। मेथड याद रखो, खाली किस क्वेश्चन में किस टाइप से करना। डन। चलो, अगर इसी का ना अपोजिट क्वेश्चन आ गया, समझ में आया? ये क्वेश्चन कैसे क्या था? ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, ओके। नाउ इसी का अगर अपोजिट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन अगर ये हो कि द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय
12, 18 and 21 years. Option is A. Option is 10080. B option is 30256. Then C option is 10224. And D option is 50321. अगर इसका क्वेश्चन आ गया ना इस टाइप का, इसका अपोजिट है, तो सेम मेथड यूज करो, लास्ट में जस्ट क्या करो, रिमाइंडर को प्लस करो. जब स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर पूछता है तब आपको क्या करना है, रिमाइंडर को लास्ट में प्लस कर देना है, जो हमारा स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है. ओके, समझ में आया? सेम मेथड, सेम चीज सब कुछ करो, सिर्फ रिमाइंडर जो निकलेगा उसको स्मॉलेस्ट फोर डिजिट में प्लस कर दो. चलो ट्राई करो, तो निकाल के देखो तो फटाफट. सेम मेथड ना, यू सेम मेथड. डन. Answer is A. Just wait. 10080. Yes, answer is A. सबका निकला? Everyone? Or anyone have doubt? Tamo, Pisa, Anong, Rohit. किसी को डाउट है? मैं आप लोग कर लोगे? स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ओके, दिखा दो सर. देखो इसमें क्या करना है आप लोग को, एलसीएम किसका करना है हम लोग को, 12, देखो यहाँ पे 12, 18 and 21 का कर दो. तो अगर 12, 18 और 21 का हम एलसीएम करते हैं, 12, 18, 21, दैट मीन 3 से कर लो सब चला जाएगा, 3 4 12, 3 6 18, 3 7 21, देन 2 से 2 2 4, 2 3 6 7, देन 2 से 1 3 1 7, देन 3 से 1 1 7, देन 7 से 1 1 1. ठीक है, अब इंटू करो, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 7 जा कितना होता है, 36 × 7, 6 7 42, 4 7 3 21, 25, 252. तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 252. सही निकला, 252 एलसीएम इज करेक्ट. देन
अभी ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये होगा 1000, क्या होगा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 10,000, नॉट 1000 नहीं होगा, हाँ याद रखना ये ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है, क्या होगा बताओ, 1000 होगा 10,000 होगा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, सुगर ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर 1000 और 10,000, 10,000 नो, ऐसे में गलती करते हैं आप लोग, देखो ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा 10, वन डिजिट नंबर मतलब क्या होता है 9, 8, 7 हो गया कि नहीं हो गया, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा 10, 10, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर 100, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर कितना होगा 1000, आया समझ में रोहित, 1000 और 10,000 स्टिल कंफ्यूजिंग, बोलो ओके, यहाँ पे हम फोर कर रहे हैं ना, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर है, तब देन ओके, फाइव डिजिट नंबर इज 10,000 नॉट 1000, ओके यहाँ पे क्या था स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर है, ठीक है स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट बोल रहा हूँ अभी, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर इज 10,000, 1 2 3 4 5, ओके नॉट 1000 के फोर डिजिट नंबर है, हम क्या करेंगे हम यहाँ पे 10,000 को माइनस करके डिवाइड करो किससे 252 से, ठीक है अगर 252 से डिवाइड किया हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थ्री डिजिट नंबर थ्री डिजिट 100 है, फोर डिजिट ले लो 252, कितना करेंगे हम फोर से करो, फोर टू जा 8, 4 5 20, रिमेनिंग 2 4 2 8 2 10, 1000 कितना आता है यहाँ पे 1000 ही 1000 ज्यादा आ रहा, दैट मीन थ्री से करो 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6 1 7, 756, 252 थ्री जा 756, ओके 10 से 6 गया 4, 9 से 5 गया 4, ये 9 से 7 जाएगा 2, ऊपर से क्या आ जाएगा एक और 0 आ जाएगा, देन 252 कितना जाएगा 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 9 से करके देखो 9 2 जा 18, रिमेनिंग 1, 9 5 जा 45, 46, रिमेनिंग 4, 9 2 जा 18, 18 और 22 हो जाएगा, 18 plus 4 22, तो 252 9 जा कितना होगा 2 2 6 8, 10 से 8 गया 2, ये क्या हो जाएगा 3, 13 से 6 जाएगा 7, then ये क्या हो गया 3, 3 से 2 जाएगा 1, 172, तो कितना आएगा 172, अब अगर हम 10,000 माइनस 172 करते हैं तो कितना निकल रहा, ओ प्लस करते हैं 172, अरे फिर भी गलत निकल रहा, कहाँ गलती है बताओ तो, कहीं मेरा गलती है, चलने ओके अब इसका क्या करना, पहले ना देखो इसमें एक चीज नहीं बताया मैं आपको, ध्यान रखना किसका किसका सिक्स, ये आया ए आया, ए किसका किसका आया, देखो इसके बाद क्या करना है डिफरेंस निकालो, हाँ समझो इसके बाद हम पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस किसका स्मॉलेस्ट में देखो कैसे करना है, देखो यहाँ पे 252 माइनस 172 पहले करो, हाँ 252 माइनस 172 मतलब डिवीजन माइनस रिमाइंडर, सबसे पहले डिवीजन माइनस स्मॉलेस्ट में ध्यान रखो ये चीज, ये स्टेप मत भूलो, हाँ 252 माइनस 172 देन कितना आएगा मेरा, अगर 172 से करेंगे तो 80 आना चाहिए, 2 से 2 गया 0, 15, 15 से 8 जाएगा 7, 15 से 7 जाएगा 8, 80 आएगा, नाउ क्या करो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10,000 प्लस 80, तो हमारा कितना हो जाएगा 1,000, 80, ये आंसर होगा, देखो ऐसे होगा
सही है। अच्छा जिसका आया है पहले वो ऐसे किया था, क्वेश्चन आंसर ऐसे किया था, जिसका जिसका 1080 आया था। देखो दो चीज याद रखना है, ग्रेटेस्ट में सिंपल है, जो आएगा जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। लेकिन स्मॉलेस्ट कितना डिजिट भी नंबर पूछे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो भी आएगा उसको डिफरेंस निकालो, डिविजन माइनस उसको उसको माइनस करो आपका ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर से, सॉरी प्लस करो क्योंकि प्लस करना है ना। या इसका फॉर्मूला आप लोग ऐसे भी लिख सकता था, कैसे लिखेगा, ऐसे भी लिख सकता था फॉर्मूला। देखो रिक्वायर्ड नंबर इसका टू 10,000 प्लस जो डिवीजर है 252 माइनस 173, ऐसा भी कर सकता हूँ। समझ में आ गया, 10,000 प्लस 252 माइनस 172 ये फॉर्मूला हो जाएगा, डिवीजन माइनस क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये किसमें आएगा ये स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट में। ओके 10,000 माइनस 244, बट 244 कहाँ से आया। हाँ सेम थिंग है, 252 ना, नॉट 244 शायद, तो आपका निकल जाएगा। ओके तो ये क्वेश्चन सब जो है ना हमारा एलसीएम और एलसीएम का इतना ही था, ठीक है ना। आप लोग का भी शायद कल से मर्ज क्लास होगा, ओके मैंने बताया था आज तो उन्होंने नहीं किया, कल से शायद करेंगे। तो ये जो तीन चैप्टर जो हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड दिस वन एचसीएफ एलसीएम, ये तीनों का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैं आप लोग को दे दूंगा। उसके बाद क्या होगा, हर सैटरडे आप लोग का टेस्ट होता है, ओके। टेस्ट में जितना पढ़ाया वहां से ही क्वेश्चन आएगा, ओके एवरीवन। दैट मीन वी गॉट टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड थ्री चैप्टर, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन एंड एलसीएफ एलसीएम, ओके। और आप लोग को सिलेबस मिल गया है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेना उसी से कराएंगे हम। आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगा, ओके। ओके काम हो, हिस्सा रोहित सब लोग आज भेज दीजिएगा, आज तो मेरे पास एक का ही होगा, बट मैं देखता हूँ अगर आज भेज सका तो मैं भेज दूंगा, ओके बट आई विल डू। हाँ ओके देन कल नया चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं कल कैसा होता है, क्योंकि कल दोनों अगर ग्रुप आएगा तो दोनों ग्रुप का साथ नहीं होगा, मैं न्यू चैप्टर वहां भी शुरू करना है मुझे। ओके देन गुड नाइट एवरीवन, कल कुछ नहीं, कल एक और ग्रुप है वो दोनों को मर्ज करके सेम चैप्टर ही पढ़ाना है हम लोग को। टाइमिंग शायद आप लोग का चेंज हो जाएगा, नॉट 6:45 नहीं होगा कल का टाइमिंग, कल शायद 7 to 8 होगा। चैप्टर देखो आप लोग को सिलेबस में सिलेबस दिया था ना, चेक द सिलेबस। सिलेबस में है आप लोग का, वेट कल हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इज सिंप्लीफिकेशन, ओके सिंप्लीफिकेशन। हाँ ओके देन गुड नाइट।